सिंह सभी देशवासियों एवं दर्शकों को KSN 24 न्यूज की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत खमहरिया से योग्य युवा और मिलनसार सरपंच प्रत्याशी दीनदयाल साहू चश्मा छाप का नंबर वन वादा। दीनदयाल साहू कहाँ के निवासी हैं, कौन से ग्राम पंचायत के? ग्राम पंचायत खमहरिया से। ग्राम पंचायत खमहरिया से किस प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं? प्रत्याशी में कौन से प्रत्याशी किस पद के लिए? अच्छा, मैं सरपंच के लिए। कौन सा चुनौती? मेरे को चश्मा छाप नंबर एक पे है। चश्मा छाप जी। तो आप जनता के लिए कुछ सोचे हैं? जी बहुत से सोचा हूँ। जो शासन की योजना रहते हैं, जैसे कि निराश्रित है, पेंशन है, जैसे कि स्वच्छता है। स्वच्छता में क्या करना चाहते हैं? स्वच्छता में जैसे कि गंदगी है रोड के किनारे, जो उठवाना है, और जैसे नल जल योजना है, उसमें पानी का निकासी के लिए नाली का निर्माण नहीं हुआ है, उसको करना है। और शिक्षा के स्तर पे क्या है? शिक्षा के लिए कुछ सोचे हैं? हाँ, शिक्षा के स्तर गिरता जा रहा है। हाँ हाँ, शिक्षा के स्तर गिरते जा रहा है, उसके लिए हम भी सोचे हैं, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं। तो जैसे कि हाँ, टीचर्स कमी है, जैसे कि टीचर के साथ साथ बच्चों को अच्छा से पढ़ा लिखा है अपन पंचायत स्तर में, उसको है कर उसको शिक्षा देना है ट्यूशन के रूप में। पानी की कोई समस्या? पानी का समस्या हमारे यहाँ नल जल में, जैसे कि हैंडपम्प में, कुआं में तो नहीं है, ये भी नहाने के लिए समस्या आ जाता है, उसके लिए बोर नल का योजना है कर उसका व्यवस्था करेंगे। तालाबों में पचरी निर्माण का कोई काम बचा है यहाँ पे? यहाँ तो प्रायः देखा जाए तो लगभग 20 साल के अंतराल में मात्र 2-3 ही पचरी बन पाया है। जो अभी काम चल रहा है, कौन से योजना का है मेरे को मालूम नहीं, जो अभी भी अधूरा है, 2 पचरी की निर्माण कर रहा है, जो पानी के लेवल के ऊपर से 6 फुट ऊपर में निर्माण चालू किया है। उसको आप क्लियर कराना चाहेंगे? अच्छा चीज़ है। हाँ, उसको क्लियर कराना चाहेंगे। और जो यहाँ का सबसे बड़ा है सौंदर्यीकरण है, कीचड़ है, उसके लिए सीसी रोड आने जाने के लिए। पेड़ है या नहीं आपके? नहीं, हमारे यहाँ तो पेड़ नहीं है, उसके लिए हम वृक्षारोपण का व्यवस्था करेंगे। शिक्षा के विकास के लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका जो शुरुआती नींव होता है, जो शिक्षा का स्तर के लिए जो प्राइमरी स्कूल से चालू होता है और मिडिल स्कूल तक ज़्यादातर उसमें कोशिश यही रहता है, तो उसका भविष्य कैसे करना है, क्या करना है, उसी पर डिपेंड रहता है। वो हिसाब से अगर प्रायः कर देखा जाता है कि इसमें कहीं कहीं देखा गया है कि टीचर लोग इसमें लापरवाही करते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई में, इसलिए शासन द्वारा यह करना चाहिए कि CCTV कैमरा हर कक्षा में लगना चाहिए, कि कभी भी कोई भी जाकर पालक या कोई भी आम नागरिक गांव का क्या है चेक कर देख सके कि उसने पढ़ाई कैसे किया, कितना समय किया, कितना घंटा किया।